नमस्ते, गिरीश इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टारगेट सुपर हीट। तो बेसिकली जो टारगेट सुपर हीट है, ये रेफ्रिजरेंट चार्जिंग की एक मेथड है, जिसको हम सुपर हीट चार्जिंग मेथड कहेंगे। इस पद्धति में सुपर हीट को मेजर करके हम रेफ्रिजरेंट को करेक्टली चार्ज कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, जहाँ पे कैपिलरी ट्यूब यूज़ होती है, जिस सिस्टम में कैपिलरी ट्यूब यूज़ होती है, उसी में हम इस मेथड से गैस को चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ होता है या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ होता है, तो वहाँ पे इस पद्धति को यूज़ नहीं कर सकते हम। तो टारगेट सुपर हीट जो है, इसके लिए एक चार्ट होता है, और उस चार्ट में हमें दो टेम्परेचर्स को देख के टारगेट सुपर हीट का पता करना होता है। एक टेम्परेचर जो होता है वो आउटडोर टेम्परेचर हो गया, बाहर का टेम्परेचर, जो ड्राई बल्ब होता है, ओके। और एक जो टेम्परेचर हम यहाँ पे मेजर करते हैं वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, जो कमरे के अंदर का होता है, रूम के अंदर का होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, जहाँ पे बाहर का जो तापमान है, आउटडोर टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री फारेनहाइट ड्राई बल्ब है, और जो रूम टेम्परेचर है वो 64 डिग्री फारेनहाइट वेट बल्ब है, ओके। अब ये जो है 95 डिग्री फारेनहाइट ड्राई बल्ब, इसको अगर आप देखोगे और 64 डिग्री फारेनहाइट वेट बल्ब इसको अगर देखोगे, तो यहाँ पे कोइंसाइड करने के बाद में आपको जो टारगेट सुपर हीट मिलती है, दैट इज 6 डिग्री फारेनहाइट। मतलब ये अगर कंडीशन है तो आपको सुपर हीट कितनी मेंटेन करनी है, 6 डिग्री फारेनहाइट इतनी मेंटेन करनी है, ओके। अब क्या करना होता है, आपको एक्चुअल सुपर हीट को चेक करना होता है। तो एक्चुअल सुपर हीट कैसे चेक करते हैं, पहले तो सिस्टम को स्टेबलाइज होने दीजिए गैस चार्जिंग करने के बाद में। 15-20 मिनट में सिस्टम स्टेबलाइज हो जाती है। आफ्टर दैट मान लो कि यहाँ पे R22 की सिस्टम है, तो सक्शन प्रेशर मान लो कि 75 PSIG है। अगर 75 PSIG सक्शन प्रेशर होता है, तो उसका करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर 44 डिग्री फारेनहाइट होता है। एक गेज से भी हम पता कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है R22 का, तो 75 PSIG के सामने अगर टेम्परेचर देखोगे तो वो 44 डिग्री फारेनहाइट होगा। तो इस तरीके से हम सैचुरेशन टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमें जो एक्चुअल सुपर हीट फाइंड आउट करने के लिए सक्शन लाइन का टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे ये लो साइड होगी और ये सक्शन लाइन होगी, तो सक्शन लाइन पे डायरेक्टली थर्मामीटर लगा के हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल सुपर हीट का, सक्शन लाइन टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इस केस में सक्शन लाइन टेम्परेचर 65 डिग्री फारेनहाइट है, और सैचुरेशन टेम्परेचर हमने जो कैलकुलेट किया वो 44 डिग्री फारेनहाइट है। दोनों को माइनस करने के बाद में जो एक्चुअल सुपर हीट मिलती है, दैट इज 21 डिग्री फारेनहाइट। और चार्ट के हिसाब से हमें कितनी सुपर हीट चाहिए, 6 डिग्री फारेनहाइट सुपर हीट चाहिए। अगर हम 6 डिग्री फारेनहाइट सुपर हीट मेंटेन करते हैं, तो गैस चार्जिंग हमारी सही होती है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, एड चार्ज टू द लोअर सुपर हीट। मतलब सुपर हीट क्या है, आपको यहाँ पे 21 एक्चुअल में है, लेकिन 6 चाहिए। तो सुपर हीट को अगर लोअर करना है, तो क्या कहा गया, गैस को थोड़ा सा चार्ज करो। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके गैस जो है ना चार्ज करना है, और फिर चेक करना है कि सुपर हीट जो है 21 से घट के कितनी होनी चाहिए, 6 डिग्री फारेनहाइट तक होनी चाहिए। अगर 6 डिग्री फारेनहाइट तक सुपर हीट होती है, टारगेट सुपर हीट होती है, इसका मतलब गैस चार्जिंग सही है, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम लोग, जिस केस में मान लो कि आउटडोर टेम्परेचर जो है यहाँ पे 105 डिग्री फारेनहाइट ड्राई बल्ब है, और इनसाइड टेम्परेचर हम मानेंगे कि 76 डिग्री फारेनहाइट वेट बल्ब है, ओके। तो इसका अगर आप टारगेट सुपर हीट चेक करते हो, तो 26 डिग्री फारेनहाइट टारगेट सुपर हीट आती है। तो एक्चुअल सुपर हीट को हमने चेक किया, मान लो कि एक्चुअल सुपर हीट हमारी है 21 डिग्री फारेनहाइट, और टारगेट कितनी बता रहा है, 26 होनी चाहिए, ओके। तो टारगेट सुपर हीट ज़्यादा होनी चाहिए एक्चुअल से, एक्चुअल 21 है और हमें टारगेट कितनी, 26 चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, सिस्टम में जो भी रेफ्रिजरेंट है, अगर एक कंडीशन होती है, तो सिस्टम का जो रेफ्रिजरेंट है उसको थोड़ा सा निकालना होता है। निकालने के बाद में ये जो सुपर हीट जो है वो बढ़ती है, मतलब 21 डिग्री फारेनहाइट सुपर हीट बता रहा है ना अगर सिस्टम, तो फिर वो बढ़ के 26 हो जाती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे चेक करनी होती है, एक्चुअल सुपर हीट आपको निकालनी है, और चार्ट के हिसाब से टारगेट सुपर हीट निकालनी है। अगर सुपर हीट जो है आपकी टारगेट सुपर हीट कम है और एक्चुअल सुपर हीट ज़्यादा है, तो ऐड करना होता है रेफ्रिजरेंट। और टारगेट सुपर हीट अगर यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है और एक्चुअल अगर कम है, तो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में से थोड़ा सा निकालना होता है, और इस तरीके से जो परफेक्ट गैस चार्जिंग है वो करनी होती है। थैंक यू वेरी मच।